पूरी दुनिया ना इंडियन मर्दों पे हंसती है, पता है दुनिया स्पेशली यूरोपियन इंडियन मर्दों के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंडियन मर्दों को ना बिजनेस करना नहीं आता। बिजनेस करना क्यों नहीं आता पता? वो कहते हैं कि इंडियन मर्दों को ना औरतों को अप्रोच करना, वुमन्स को अप्रोच करना ही नहीं आता। जिन लोगों को वुमन्स को अप्रोच करना नहीं आएगा वो खाक अपने कस्टमर को अप्रोच करेंगे। ऐसी बातें हमें बुरी लगती है और हम ये बातों को एक्सेप्ट भी करना नहीं चाहते, पर रियलिटी है। कब तक हम ये गाने गाते रहेंगे कि लड़कियाँ औरत होती हमेशा पैसों से आकर्षित होती है। अगर आप किसी औरत का प्यार पाना चाहते हो तो जस्ट पैसे कमाओ, उसके मुंह पे मारो और खरीद लो। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियाँ होती हो शकल देखकर आपको पसंद नहीं करेगी, आपका पैसा नहीं देखेगी, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि ये इतनी बड़ी दुनिया है और इसमें सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होगी जो आपके पैसे को देखेगी, आपकी शकल को देखेगी। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि हर किसी औरत की जो चॉइस होती है वो एक जैसी होती है, सेम होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो सेम होगी। जैसे कि एक औरत को ना एक मर्द ही पसंद आएगा, एक मर्द को एक औरत ही पसंद आएगी, वो अलग अलग इंसान है, फिर भी एक चीज़ सेम होगी। क्यों? क्योंकि जो मूलभूत चीज़ें होती ना वो कभी बदलती नहीं है। इसलिए एक लड़की की चॉइस हजार हो सकती है, उनका नेचर अलग हो सकता है, लेकिन कुछ मर्दाना आदतें, कुछ मर्दाना चीज़ें जो हर औरत को डेफिनेटली पसंद आती। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मर्दाना चीज़ों के बारे में बताऊंगा, एक मर्द में जो चीज़ें होनी चाहिए जिसकी ओर हर औरत आकर्षित होती होती। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ ऐसी क्या होती है सबसे ज़्यादा पावरफुल जो एक औरत को मर्द की ओर आकर्षित करता है, वो होता है मर्द का कॉन्फिडेंस। आपने एक बात बहुत सुनी होगी कि लज्जा यानी कि शर्म होता है वो स्त्री का औरत का गहना होता है। मैं आपको कहता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो एक मर्द का गहना होता है। अगेन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मर्द होगा औरत की ओर ही आकर्षित होगा, इसका मतलब ये था कि एकदम ऑपोजिट, एकदम डिफरेंट। तो एक औरत होती है उसमें नेचुरली शर्म ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो कभी ऐसे मर्द से अट्रैक्ट नहीं होगी जो खुद एक शर्मिला पर्सन हो, साय हो, लेकिन वो ऐसे बंदे से अट्रैक्ट होगी जो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती एक्चुअल में हम वही चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। आप में कितनी भी अच्छी खूबी होगी आप कभी भी दूसरे इंसान में वो खूबी देखकर अट्रैक्ट नहीं होगे, लेकिन आप उस इंसान की उस खूबी को पसंद करोगे जो खूबी आप में नहीं होती। इसलिए कॉन्फिडेंस का, एक मर्द में कॉन्फिडेंस का होना सबसे ज़्यादा और प्रथम प्रायोरिटी है। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप में इस बात का कॉन्फिडेंस है कि भाई आप लड़कियों से बात करने में शर्माते नहीं, आप अनजान लड़की के पास जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अच्छा, आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। हाँ, ये भी आपका एक कॉन्फिडेंस ही है, लड़कियों को ये भी पसंद आता है, लेकिन एज अ मर्द आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है, आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ होती है, अच्छी हो बुरी हो, वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस दिखाते हो और कॉन्फिडेंस के साथ उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को डील कर सकते हो। मर्दों की दूसरी पावरफुल चीज़ होती है जिसकी औरत आकर्षित होती, वो होता है पावर, ताकत, शक्ति। अब पैसा भी एक पावर है, इस बात को थोड़ा सा समझना, अदरवाइज इसका तुम गलत मतलब निकाल लेते। एंड सारे मर्दों ने, स्पेशली इंडियन मर्दों ने इसका भरपूर गलत मतलब निकाला है कि पावर का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा है। हाँ, इस समय पे पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँ कि अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखो तो हमेशा से औरत ना ऐसे मर्दों से आकर्षित होती रही है जो पावरफुल होते हैं। समय समय के साथ इसकी जो डेफिनेशन है ना वो बदलती गई थी। जब इंसान जंगल में रहता था तो वो जंगल के टोली के सरदार होते उनके साथ रहती थी, उसके बाद राजाओं के साथ, महाराजाओं के साथ, जो बॉडी में ताकतवर थे। क्यों? वो पावर से हमेशा अट्रैक्ट इसलिए होती क्योंकि उनको लगता है, एक्चुअल में औरत को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनको जिसके पास एकदम कंफर्ट फील हो, सिक्योर फील हो। हालांकि औरत कमज़ोर नहीं होता, लेकिन उनके मन का ये वहम होता है कि वो कमज़ोर है, इसलिए वो हमेशा पावर से, ताकत से अट्रैक्ट होती है। इसलिए एक मर्द को ना हमेशा अपनी लाइफ में पावरफुल, ताकतवर बनना चाहिए। ये खुद उनके लिए भी ज़रूरी है और उनके साथ रहने वाली पार्टनर के लिए भी ज़रूरी है। और पावर हमेशा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, अभी इसका मतलब ये नहीं कि पैसों में ही पावर होता है। आपकी कोई भी खूबी, आपका कोई भी टैलेंट जो आपका वजूद बनाती है, जो आपकी एक आइडेंटिटी बनाती है, वो आपका पावर होता है। अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि औरत ना पावर से अट्रैक्ट होती है, ताकत से अट्रैक्ट होती है, और ताकत को और पावर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। तीसरी चीज़ जिसे औरत अट्रैक्ट होती है वो है बीइंग डिफरेंट। आप कुछ ना अलग होना चाहिए,
ये चीज़ तो आपने बहुत बार औरतों में नोटिस की होगी, आपने देखी होगी कि एक लड़की जब शॉपिंग करने जाती है तो बहुत सारी चीज़ें देखती है, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर करेगी, और बहुत मेहनत करने के बाद उसको छोटी सी चीज़ भी अगर चाहिए ना तो कुछ ढूंढ के निकालेगी, और उनको एहसास होगा कि वाह मैंने सबसे अलग कुछ निकाल लिया। क्यों वो ऐसा इसलिए करती कि जहाँ भी फंक्शन में जाती है वहाँ वो चाहती है कि वो सारी लड़कियों से कुछ अलग दिखे, ऐसा वो वहाँ पर पहन के जाए जो पहले कभी किसी लड़की ने ना पहना हो, और वो सारे मर्दों का अपनी ओर ध्यान खींच सके। अब आपने देखा होगा कि ऐसे फंक्शंस में लड़के सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो लड़की होती उन्हीं ऊपर सारे मर्द डोरे डालते हैं, पर एक लड़की होती ना उसी फंक्शन में वो भी उसी लड़की को देखती है, वो देखना तो चाहे सबसे हैंडसम लड़के के ऊपर या सबसे अच्छा लड़का दिखता हो वहाँ पर उसे, लेकिन वो भी ये दिखेगी। अगर वो खूबसूरत नहीं है ना तो उस फंक्शन में उसका मन नहीं लगेगा, अगर सारे मर्द किसी और को देख रहे तो उनको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होगी क्योंकि वो सहन नहीं कर पाए। मतलब ये है कि ना कि वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती कि उसका मर्द भी उसका पार्टनर भी सबसे अलग है। इसलिए मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि आप कॉमन ना बनो, आप डिफरेंट बनो, एटलीस्ट आप में ऐसी तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आपको कुछ लोगों से कुछ अलग बने, कुछ स्पेशल बने, क्योंकि एक तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ से लोग जल्दी ऊब जाते हैं, इसलिए आपको कुछ तो अलग बनना ही पड़ेगा। चौथी चीज़ जिससे औरत मर्द की ओर आकर्षित होती और वो चीज़ होती है रियल, कि आपको रियल बनना चाहिए। आपने कई बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि कोई अनजान लड़की अगर कहीं पर खड़ी है और लड़का उसके पास जाता है तो लड़की अपने आप को पहले से तैयार कर लेती है, वो ऐसे खड़ी रह जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि आकर कुछ करेगा, ट्राई मारेगा और मुझे ना इससे डिफेंड करना है। इसका मतलब क्या है कि उनको डर लगता है, डर इसलिए लगता है क्योंकि वो नहीं जानती कि रियल में लड़का कौन है, कैसा है। लड़कियों को डर लगता है कि लड़के उसके पास आएंगे, झूठी मूठी कहानियाँ सुनेंगे और उनको ना उसमें फुसला लेंगे और उसका जस्ट यूज़ करेंगे, उसके साथ दगा करेंगे। इसलिए हमेशा ना लड़कियाँ झूठे लड़कों से बहुत ज़्यादा डर रही हैं, पर जब आप अपनी बात करते हो उनके साथ अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते कि उनको आपकी बातों से ही लगे कि नहीं ये लड़का है ना एकदम रियल है, एकदम जेन्यून है, ये मेरे साथ कोई फ़ायदा उठाने के लिए नहीं आया, ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए नहीं आया। आपने कई बार ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी कि लड़कियों ने आपको कहा होगा कि आप एकदम डाउन टू अर्थ है और वहाँ पर जहाँ पर ना आप उसे इम्प्रेस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप कोशिश कर रहे होते ना तो उनको पता होता है कि झूठी मूठी चीज़ें आप दर्शा रहे हो। एंड जब लड़की को आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है, उनको पता है कि ये जेन्यून है, तब ना बिना मांगे वो आपको फोटो भी देती है। आपको मांगना पड़ता है? नहीं मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना अब तक उनके मन में डर था कि ये लड़का रियल है कि नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग से हो सके ना तो अपने आप उनके सामने रियल रखो। तो मर्दों की ऐसी पांच चीज़ें जिससे हर औरत आकर्षित होते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है मर्द का कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज़ होती है पावर शक्ति, तीसरी चीज़ होती है डिफरेंट, दूसरे मर्दों से डिफरेंट होना, चौथी चीज़ होती है आपकी रियलिटी यानी कि आप कितने रियल हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको भी लगता है कि सिर्फ पैसों से काम बनता है। आप ऐसे वीडियो और फ्री में देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।